चलो क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। तो साइन 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको टी माने, नीचे वाले को टी मानेंगे। ठीक है, देखो हो सकता है बहुत को कंफ्यूजन हो कि टी पूरे को क्यों माने। टी अगर साइन स्क्वायर एक्स को ही मान सकते थे। ठीक है, ठीक है, अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक, तुम टी इसको मानो या इसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसको ही मानोगे आंसर सेम आएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं, डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, अगर टी इसको मान रहे तो डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो बी स्क्वायर साइन 2x आ गया, है ना। तो अब देखो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, डी एक्स की जगह पे डी टी पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी बाई बी स्क्वायर साइन 2x। ये कट गया, कितना आ गया, 1 बाई बी स्क्वायर एल एन मॉड टी प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, और टी की जगह पे पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स हाफ एक्स टू पावर 1/3 डी एक्स। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन है, 1/x^2 प्लस x^3, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन इसका होता तो आसान था, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग इस तरह का, तो बन जाता है, एडिशन में है। ठीक है, तो दिक्कत आ रहा है। तो देखो, तो उस केस में क्या करते हैं, ये जो ये फ्रैक्शन में दिख रहा है ना, तो इन सब को क्या करते हैं हम लोग, कुछ एज्यूम ऐसा करेंगे इन सभी क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, क्या है थंब रूल, क्या है कि अगर ऐसा देख रहे हैं एक्स टू पास 1/2, एक्स टू पास 1/3, एक्स टू 1/6, ऐसा कुछ देख रहे हैं। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में है पावर इंडिसेस, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स को कुछ ऐसा एज्यूम करेंगे कि इंडिसेस हमारा जो फ्रैक्शनल जो इंडिसेस है वो क्या हो जाए, हट जाए। तो देखो तो क्या एज्यूम करते हैं। ठीक है, एक्स के जगह पे मान लो अगर टी टू द पावर 6 एज्यूम करते हैं, तो देखो तो कुछ चेंजेस आ जाएगा। समझ में आ रहा है, टी टी स्क्वायर भी कर सकते थे, लेकिन टी स्क्वायर करते थे सिर्फ यही इंडिसेस हटता जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, लेकिन ये अगेन रह जाता। तो हम लोग क्या एज्यूम किए कि एक्स इक्वल टू टी टू पावर 6, तो हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू तो टी थ्री, ये कितना हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, अब डीएक्स में हटाना है हम लोग को। देखो इस केस में क्या हुआ, एक्स के जगह पे टी टू पावर 6 एज्यूम कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। देखो तो डिफरेंशिएट करो तो डीएक्स बाई डी टी करो। हाँ कुछ बोल रहे हो, हेलो, कोई कुछ बोल रहे थे। ठीक है, देखो एक्स इक्वल टू टी टू पावर 6 एज्यूम करो, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आ रहा है, 6 टी टू द पावर 5। तो डीएक्स की जगह पुट करना है ना, डीएक्स इक्वल टू कितना है 65 इंटू डी टी, तो कितना आ गया 65 इंटू डी टी। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है, टी स्क्वायर नीचे से कॉमन चला जाएगा,
तो देखो तो टी क्यूब टी प्लस वन डी टी, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। और ध्यान देना क्या है, एक्स इक्वल टू कितना माने थे हम लोग, टी टू द पावर सिक्स था, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सा, टी थ्री टी प्लस वन डी टी है, कैसे करें, देखो इसको ऐसे लिखो, टी थ्री प्लस वन माइनस वन टी प्लस वन डी टी, लिख सकते हैं। तो सिक्स इंटू इंटीग्रेशन, देखो इसमें टी प्लस वन एक फैक्टर है ना, तो टी ए स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी एक आया, माइनस वन टी प्लस वन डी टी आया, समझ में आया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो सिंपल सा, ये कितना हो गया, टी थ्री बाई थ्री माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी, ठीक है, माइनस एल एन मॉड टी प्लस वन, ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट, तो हो गया। तो देखो टू टी क्यूब सिक्स टी माइनस सिक्स एल एन मॉड टी प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, कल का होस्ट ट्रांसफर करना, ये सर अब कौन होस्ट है, अच्छा क्वेश्चन समझ में आया जो बना सो, यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो तो बनाने के ट्राई कर रहे हैं। देखो दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर इसको टी एज्यूम करते हैं तो क्या आएगा,
टेन इनवर्स एक्स क्यूब आएगा, डिफरेंशिएट करो है ना, इनटू 3x2। देखो तो हो गया ना काम हमारा, आफ्टर सब्सटीट्यूशन क्या आएगा, 3x2 नीचे चला जाएगा और ये जो है 1+x6 ऊपर चला जाएगा, तो कट जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से बना भी सकते हैं, कैसे, t x square 1+x6 dx की जगह पे dt 3x² × 1+x3² तो ये कट गया, ये x स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 1/t dt, तो 1/3 t² / 2 + कांस्टेंट, बस यही है, 1/6 tan inverse x³² + कांस्टेंट आंसर। समझ में? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x − √sin inverse x 1 − x² dx। चलो 3 मिनट देते हैं, बनाओ तो क्वेश्चन। बना किसी से? देखो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको टी मानते हैं, ठीक है, तो टी मानेंगे तो क्या आएगा, मानेंगे तो 1 − x² आया, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा -2x। दिमाग में चलाना है, तो
माइनस टू एक्स, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या जाएगा, वो माइनस टू एक्स नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो टू एक्स कट जाएगा, मेरा काम बन गया। ठीक है, मतलब t इज इक्वल टू इस केस में सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मानो, तो देखो डी टी बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस टू एक्स। ठीक है, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूट करो तो टू एक्स अंडर रूट टी डी एक्स की जगह पे डी टी माइनस टू एक्स, टू एक्स टू एक्स कट गया, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस टी माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन। ठीक है, मतलब इसका काम हो गया पहले वाले का इंटीग्रेशन। और दूसरे वाले का देखना है, दूसरे वाले का बहुत आसान ही है, इस केस में क्या करेंगे बताओ। इस केस में टी साइन इनवर्स एक्स को मान लो, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे तो क्या आएगा, तो डी टी बाई डी एक्स, देखो तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर आया नीचे में, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या आ जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो फिर ये वाला और कट जाएगा, है ना। तो थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो गया ये फिर, तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, थ्री बाई टू, टू बाई थ्री आ गया माइनस, है ना, ये वाला पार्ट। तो हमारा आंसर कितना आ गया, इस केस में टी क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ, टू माइनस माइनस टू बाई थ्री साइन इनवर्स एक्स, थ्री बाई टू और एक प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, दिक्कत किसी को, सर पहला वाला टर्म में रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर को पूरा का पूरा को टी नहीं ले सकते, पूरा जो न्यूमरेटर में जो स्टार्टिंग में पूरा का पूरा, तो ये नीचे सॉल्यूशन में इसको तुम बोल रहे हो इसको, हाँ सर, हाँ वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, चलो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यही है ना कि प्रैक्टिस करोगे तब तो मालूम चलेगा कि हाँ इसको ये तो क्या फायदा हो रहा है, क्या निकाला हो रहा है। ठीक है, तब भी आएगा, देखो क्या है, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको t मान लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, देखो dt बाई dx करेंगे तो क्या होगा, ये आ गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये जो नीचे आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऊपर जाएगा तो कटेगा, फिर ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो 2x जो भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर dx की जगह पे पुट कर देते हैं क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। ठीक है, देखो तो ये कट गया, dx और ये x कट गया, तो कितना आ गया, माइनस टू इंटीग्रेशन डी टी, तो कितना आ गया, माइनस टू टी प्लस कॉन्स्टेंट, और क्या है ये, माइनस टू अंडर रूट वन माइनस, सॉरी किसको माना था हम लोग, इसी को टी माना था ना, आ गया ना, देखो सेम चीज आया, देख लो दिक्कत, नो सर मान सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तुम क्या करना है, स्टेप क्या करना है, वो पहले सोच समझ के करना है। ठीक है, वो सोच समझने के लिए ही तुम लोग को बताते हैं बार बार कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो चीज ऊपर में है वो नीचे चल जा रहा है, और जो चीज नीचे है वो ऊपर चला जा रहा है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये बनाओ एक सब्स्टिट्यूशन का लास्ट क्वेश्चन है, और सब्स्टिट्यूशन ही मेन है, उसी का यूज कर करके बहुत सारा चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ई एक्स वन प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ई एक्स, देखो तो बनाने ट्राई करो, दो मिनट दे रहा,
आसान है। चैप्टर धीरे धीरे ले चले गए, जो क्वेश्चन करा रहे बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, और इनडेफिनेट हो जाएगा तो डेफिनेट बहुत जल्दी ही खत्म होगा, फिर एरिया भी बहुत जल्दी खत्म होगा। तो इस चैप्टर को ध्यान से रखना। गया देखो, बहुत ही ऑब्वियस दिख रहा है, क्या है, किसको टी मानेंगे, टी मानेंगे एक्स ई एक्स को, देखो तो, क्योंकि लग रहा है कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा तब, ठीक ना। तो डी टी बाई डी एक्स करो, कितना आ रहा है, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ई एक्स, और एक बार ई एक्स को करेंगे देखो तो ई एक्स वन प्लस एक्स, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये पूरा जो चीज है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, वन कॉस स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा। तो मतलब क्या है, सेक स्क्वायर टी है, इसका मतलब सेक स्क्वायर टी मतलब टेन टी प्लस कॉन्स्टेंट, आंसर आ गया टेन एक्स ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, आया समझ में। चलो ये ध्यान रखना है तुम लोग को, अगर जब भी क्वेश्चन में देखो साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स इस तरह का फॉर्म है, ठीक है, और एम और एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो इसका वर्किंग रूल बता दे रहे कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। क्या है, इस देखो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अलग ही रूल है, ये तुम सब्स्टिट्यूशन में जो किए हो अगर उससे कॉमन सेंस अगर आ रहा होगा तो देखना कि एग्जैक्टली वो चीज वही बात कर रहा है, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, क्या बोल रहा है कि इफ वन ऑफ देम इज ऑड, वन ऑफ देम मतलब एम और एन में से इज ऑड, देन substitute for the term of even power, मतलब जो even, क्या क्या बोला, एक अगर कोई एक odd है जैसे मान लो sin 5x into cos square x, ये कोई odd है तो हम लोग क्या करेंगे, जो even में है इवन पावर जिसका है उस उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब टी इज इक्वल टू कॉस एक्स मानेंगे। बात समझ में आया, ये बी ए नंबर बोला, ठीक है। बी नंबर क्या बोल रहा है, इफ बोथ आर ऑड, इफ बोथ आर ऑड देन सब्स्टिट्यूट आइदर ऑफ देम, ठीक है, कोई भी चुन लो। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है, खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किसको चूज करना ज्यादा बेटर रहेगा किसको नहीं। देखो दोनों तरीके से बनेगा क्वेश्चन, या तो साइन को टी एज्यूम कर सकते हो या कॉस को एज्यूम कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करेगा कितना फास्ट बनाना है, तो वो तुम्हारे, ठीक है। चलो बी हो गया और सी, इफ बोथ आर इवन यूज
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज ओनली समझा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करने को बोल रहा, मतलब कि अगर दोनों का पावर इवन है, अगर ऐसा ऐसा दिख रहा है, ठीक है, देखो तो ये भी इवन है, तुम लोग क्या क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करो, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन टू एक्स बाई टू होता है, ठीक है, ये सब टाइप का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ेगा, तो इसमें ट्रिगो काम आएगा, ठीक है। अब डी क्या बोल रहे हैं, इफ एम एंड एन आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, अगर रैशनल नंबर बोल रहे हैं, एंड एम प्लस एन माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इज अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इज अ नेगेटिव इंटीजर, देन सब्स्टिट्यूट ठीक है, सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू p या फिर t और cot x इक्वल टू p, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकता, ठीक है, whichsoever is found suitable, जो भी अगर मिलता है, अगर cot x बना सकते हैं, tan x बना सकते हैं, तो हम लोग ऐसा ट्राई करेंगे। याद होगा स्टार्टिंग में तुम लोग को क्या बोले थे कि कोई फंक्शन होता है tan x, sin x और cos x के फॉर्म में है, तो हम लोग जनरली क्या ट्राई करते हैं कि tan x के फॉर्म में आ जाए और sec स्क्वायर x आ जाए, ठीक है, तो उसी तरह का केस आएगा, ठीक है, तो बस यही है, ठीक, तो चलो ये एक मिनट हम एक बार देख लो, ये एक बार देख लो a b c d एक बार देख लो, तो हम लोग दो मिनट देते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इस पे बेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो तो आसान है क्या कि अगर एक ऑड है तो सिंपल क्या करना है, जो इवन वाला इवन का जो पावर है उसको हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब जैसे ये एग्जांपल दिया साइन 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, इसमें पावर 5 साइन एक्स के साथ है, तो इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, किसको करेंगे, cos x को करेंगे, ठीक है, इसका रीजनिंग भी मिल जाएगा तुम लोग को क्यों करते हैं, और प्रैक्टिस करे हो समझे हो क्लास में तो आइडिया अब तक लग गया होगा, कोई बताओगे क्यों ऐसा होता है, चलो यही क्वेश्चन दे देते हैं, साइन 3x cos square x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या करना पड़ेगा, t is equal to cos x लिखना पड़ेगा, है ना, देखो तो देखो क्यों, अगर t is equal to cos x लेंगे, इवन वाला क्यों लेंगे, जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब dt by जब dx करेंगे तो कितना क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है, जब माइनस साइन एक्स आएगा तो ये ऊपर है, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो ये जो अभी ऑड में पावर है वो क्या हो जाएगा, इवन में पावर बन जाएगा, ठीक है, तो इवन में पावर बनेगा, तो अगर साइन एक्स अगर इवन में पावर है तो उसको हम लोग cos x के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख लेंगे, लिख सकते हैं ना, अगर sin square x है तो 1 minus cos square x लिख सकते हैं, क्योंकि t is equal to cos x माने थे, तो 1 minus t square भी लिख सकते हैं sin square x को, लेकिन अगर बताओ तो sin cube x होता तो हम लोग इसको cos x के फॉर्म में कैसे लिख पाए थे,
काफी डिफिकल्ट होता अगेन, मतलब क्या क्या हो जाता दिक्कत। ऐसा तो लिख ही सकते हैं लेकिन दिक्कत ये हो जाता बहुत ज्यादा, फ्रैक्शनल ये पावर ओवर इन्वॉल्व हो जाता, तो मतलब सिंप्लीफाइड नहीं रहता। ठीक है, जैसे साइन 3x है, साइन क्यूब एक्स है, तो क्या होगा ये काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो उसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एज्यूम करना था वो किए। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं क्या है, साइन 3x कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो हम लोग क्या किए हैं, ये ऑड है तो जो ऑड में पावर नहीं है जिसका, उसको हम लोग एज्यूम करेंगे कॉस एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स कर लो, कितना हो गया माइनस साइन एक्स हो गया। तो बस, तो इंटीग्रेशन किए हैं साइन क्यूब एक्स, इस कॉस एक्स है ना, इसको टी स्क्वायर लिख दो, फिर डी एक्स की जगह पे डी टी बाई माइनस साइन एक्स लिख देते हैं, साइन एक्स ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर डी टी माइनस में, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन टी डी टी, यही तो टी था, तो टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर डी टी, तो टी फोर माइनस टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन, तो कितना गया टी फाइव बाई फाइव टी थ्री बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट, कितना है ये टी क्या था कॉस फाइव एक्स बाई फाइव कॉस क्यूब एक्स बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट, आ गया आंसर। आया समझ में अलका? यस सर। ठीक है चलो, ऐसा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 3x कॉस 5x डीएक्स। देखो तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, अलग कैसे हो गया, इसमें क्या है साइन एक्स का भी पावर ऑड है और कॉस का भी पावर ऑड ही है, तो क्या करेंगे, क्या बोला था आइदर ऑफ देम, हम लोग किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो बात सही ही लग रहा है। ठीक है, जैसे चलो पहले टी को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से बनाएंगे, टी इज इक्वल टू साइन एक्स एज्यूम कर लो, तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो गया कॉस एक्स हो गया, तो इंटीग्रेशन करो तो टी क्यूब आफ्टर सब्स्टिट्यूशन कॉस 4x डी टी आ जाएगा। देखो तो टी क्यूब कॉस 4x को थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डी टी, तो टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर डी टी, कितना हो गया फिर टी क्यूब 1 माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी फोर डी टी, टी क्यूब 2 टी 5 टी 7 डी टी, तो कितना हो गया टी 4 बाई 4 2 टी 6 बाई 6 टी 8 बाई 8 प्लस कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे टी क्या है साइन एक्स था, ठीक है चलो। तो थोड़ा सा देखो ठीक है इजी ही है, ठीक है आइदर ऑफ देम बोला था तो ठीक है, अगर मान लो कॉस पे पावर थोड़ा सा बड़ा हो अगर होता तो डिफिकल्टी आ जाता तुम लोग को। ठीक है चलो देखते हैं हम लोग एक बार, इस तरह से बनाते टी इक्वल टू साइन एक्स देखे ना करके देखे। अब देखो तो अगर t इज इक्वल टू कॉस एक्स अगर एज्यूम करते हैं, जिसका मतलब हाईएस्ट पावर है इसमें से, तीन तीन और पांच में से हाईएस्ट पावर किसका है कॉस एक्स का, इसको एज्यूम करो तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ रहा है माइनस साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, अब आफ्टर सब्स्टिट्यूशन करो तो कितना आ जाएगा माइनस
साइन स्क्वायर एक्स टी फाइव डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस टी स्क्वायर लिख दो टी फाइव डी एक्स इंटीग्रेशन, तो कितना आ गया ये टी सेवन माइनस टी फाइव डी टी, सॉरी डी टी है इंटीग्रेशन, देखो तो टी एट बाई एट माइनस टी सिक्स बाई सिक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे क्या है टी क्या है कॉस एक्स है, देखो यहीं पे हमारा आंसर आ गया, काफी लंबा चल गया था ना जब टी साइन एक्स को माने थे। तो अब से ध्यान देना, हम लोग बोल तो रहा है कि आइदर ऑफ देम वी कैन टेक, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, जो मतलब जो मैक्सिमम पावर है उसको हम लोग एज्यूम करेंगे जिसके साथ, ठीक है। तो मान लो कि इसका इंपॉर्टेंस तुमको तब समझ में आएगा, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया साइन थ्री एक्स कॉस टू द पावर ट्वेंटी फाइव एक्स, ये करना है, देख रहे हो। अब इस केस में कैसे करोगे, तो देखो काफी टफ हो जाएगा। अगर t इज इक्वल टू साइन एक्स अगर एज्यूम करते हो तो क्या आएगा dt by dx cos x, ठीक है। तो देखो t क्यूब cos 24x dt आएगा। अब देखो तो cos x टू दी पावर 24 को हम लोग को साइन एक्स के फॉर्म में चेंज करना है, तो काफी लंबा इंडिसेस चला जाएगा, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, क्यूब फोर सिक्स इस तरह का, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, समझ आ रहा है ना, क्योंकि कॉस एक्स टू पावर 24 को साइन एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये मेथड नहीं करेंगे, वैसे बनने को तो बनेगा ही, ठीक है, लेकिन ये नहीं चूज करेंगे, तो क्या चूज करेंगे t is equal to cos x, आ रहा समझ में अदमन? Yes, sir. तो बस हो गया, तो dt by dx करो कितना रहा है माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा t to the power 25 हो गया dt, और इसको माइनस वन माइनस t स्क्वायर t 25 dt हो गया t 27 माइनस t 25 dt इंटीग्रेशन t 28 by 28 माइनस t 26 by 26 प्लस कांस्टेंट, यहाँ मतलब cos x 28 by 28 cos x 26 by 26 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट समझ में आया कि किसको चूज करना है, बस ठीक है। तो और क्या मेथड बोला, कैसे कैसे प्रोसेस था, इफ बोथ आर इवन, तो इवन रहेगा तो ये सब काम नहीं करता है सब्स्टिट्यूशन वाला, तो उसमें क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि साइन का पावर कॉस का पावर क्या है इवन है, तो इवन है तो इनको क्या करना है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके छोटा करते जाना है पावर को, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो जैसे देखते हैं इजी क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स है, ठीक है, ये बनाना है क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, फोर से डिवाइड करो, फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखो डीएक्स, क्या हो गया ये वन बाई फोर टू साइन एक्स कॉस एक्स किए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। फिर ये क्या हो गया साइन स्क्वायर टू एक्स डीएक्स हो गया वन बाई फोर, तो फिर अगेन देखो अब साइन स्क्वायर टू एक्स को कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, वन बाई फोर तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसको लिख दो वन माइनस कॉस फोर एक्स बाई टू, देखो तो अब हो जाएगा तो कितना हो गया वन बाई एट वन माइनस कॉस फोर एक्स डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन करना है, कितना हो गया वन बाई एट एक्स साइन फोर एक्स बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट,
आया समझ में सौम्या? यस सर। चलो तो बनाओ एक दो। अच्छा हाँ, इस पे बेस्ट और एक क्वेश्चन था क्या, अगर पावर नेगेटिव है, ठीक है, हाँ, अगर पावर क्या था, m एंड n आर नेगेटिव या रैशनल है, ठीक है, और m प्लस n माइनस 2/2 वो भी नेगेटिव आ रहा है, देन हम लोग क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन को tan x के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं कैसे, मतलब सिंपल ही है, बोलने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स दे रखा है और पावर क्या है इस सब में, नेगेटिव है, कोई नंबर नेगेटिव नंबर है या फिर रैशनल है, ये रैशनल है, तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं इसको चेंज करने का, फंक्शन ऑफ टेन एक्स sec स्क्वायर एक्स में, ठीक है, तो आप तो समझ ही रहे हो क्यों क्यों करना चाहते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये प्रोसेस हो गया, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसे बेस्ट, साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स ये करना है, ठीक है, तो बताओ क्या करा जाए, टेन एक्स में चेंज करता है, ठीक है, तो देखो तो साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्म है, पावर भी नेगेटिव है, चलो तो इसको चेंज करना है किसमें, टेन एक्स में चेंज करना है, तो देखते हैं डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, देखो तो कॉस फोर एक्स हो गया, अब इसी को ऐसे देखो, ये टेन एक्स हो गया, सेक फोर एक्स हो गया डी एक्स, ठीक है, और हम लोग जानते हैं सेक एक्स को, सेक स्क्वायर एक्स को टेन एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, तो देखो तो ये वन इंटू वन बाई टेन एक्स, और देखो हम लोग को चाहिए था एफ टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक एक्स्ट्रा मिल रखा है, तो ये नहीं कि मतलब दो एक्स्ट्रा मिल रखा है ना पावर सेक स्क्वायर एक्स को, लेकिन हमको चाहिए बस यही सेक स्क्वायर एक्स, क्यों चाहिए, क्योंकि क्यों चाहिए होता है, क्योंकि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एफ टेन एक्स डी टेन एक्स में, समझ आ रहा है, तो बस तो आसान हो जाता है हम लोग के लिए, वैसा नहीं है कि ये भी आ जाए तो आसान हो जाएगा, हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ना भी बने, ठीक है, तो अब देखो sec square x into sec square x dx, तो अब देखो तो इसको sec square x को क्या लिख सकते हैं, 1 plus tan square x divided by tan x, और ये sec square x dx हो गया, ठीक है, देखो अगर प्रैक्टिस है तो हम लोग डायरेक्ट इधर से ही f tan x plus tan x d tan x भी लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा हम लोग को सब्स्टिट्यूशन ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो कितना हो गया एफ वन टेन एक्स डी टेन एक्स, अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी करके बता देंगे, ये कितना हो गया एल एन मॉड टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ऐसे भी हो गया हमारा आंसर, ठीक है, अगर मान लो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, आया सबको समझ में क्या, तो एक अब हैंड रेज करना, तो जिसको जिसको समझ में आ गया ये बोलो, कृष्णा आया तुमको, कृष्णा आ गया, समय नहीं आया तुमको, आ
आ गया सर। तो ठीक है, तो नहीं बताते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो सिंपल क्या करेंगे, t is equal to tan x assume कर लो। तो जैसे ही dt by dx करेंगे तो sec square x है क्या, तो sec square x ऊपर में है तो after substitution नीचे चला जाएगा, जिस कारण sec square x कट जाएगा, तो आ गया हमारा, ठीक है। इतना तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा। चलो एक दो बनाओ फिर खुद से। बनाओ ये sec x cos 2x dx करो तो ट्राई, दो तीन मिनट सोचो तो। बना बनाए कोई देखो ऑब्वियस है, क्या ऑब्वियस है कि साइन एक्स कॉस एक्स उस तरह का फॉर्म भी नहीं आ रहा है। तो हम तुम लोगों को बताए भी थे कि जब भी ट्राई करना कि जब भी साइन एक्स कॉस एक्स का फंक्शन है, ठीक है, हम नहीं बोल रहे कि एग्जैक्टली इस तरह का ही फॉर्म हो, ठीक है,
ऐसा ही फॉर्म हो, इस तरह का ही फॉर्म हो, नहीं बोल रहे एग्जैक्टली, अगर किसी तरह कैसा भी हो, ठीक है, अजीबोगरीब हो, ठीक है, फिर भी क्या करते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं साइन एक्स कॉस एक्स का फंक्शन को टेन एक्स में चेंज करने का, ठीक है, फंक्शन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, ठीक है, तो उससे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन, सब लगभग सभी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, तो देखो सेक एक्स है ना, तो बस फर्स्ट ट्रायल कर रहे हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर एक्स रहता तो मजा आता, तो सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो देखो, तो इसमें क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स नीचे आ गया, कॉस टू एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स तो आ गया, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू एक्स, क्या बात, क्वेश्चन क्या है कि इसको क्या हम लोग टेन एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, फंक्शन ऑफ टेन एक्स लिख सकते हैं क्या, तो देखते हैं, थोड़ा बहुत तो अब दिमाग लगाना ही पड़ेगा खुद से, क्या करें, cos 2x को ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x को ठीक है, देखो तो ये कितना आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, तो बस हो गया सिंपल सा, देख रहे हो, तो t मान लो tan x को, तो क्या हो गया, 1 माइनस t स्क्वायर dt आ जाएगा, है ना, t इज इक्वल tan x मानोगे तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, sec स्क्वायर x आएगा, नीचे डिवाइड होके कट जाएगा, तो ये क्या है, sin इनवर्स t प्लस कांस्टेंट, और बस sin इनवर्स tan x प्लस कांस्टेंट, यही हो गया आंसर तुम्हारा, आया बात समझ में, आया समझ सबको, राहुल? यस सर, तो समझ में आता है, बनता नहीं है, चलो एक बनाओ, तो कॉर्टेक्स साइन एक्स, बना
अलका माइनस टू बाई टेंडर साइन एक्स ठीक लग रहा है ना। देखो अब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हम लोग कुछ भी करने लगे, ठीक है। देखो दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब जैसे ही ये देखा एक ही कॉस है यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन अंडर रूट साइन एक्स है, तो इसको ऐसे देख बना कर दो ना डी साइन एक्स, तो साइन एक्स टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन कितना हो गया साइन एक्स माइनस 3/2 प्लस 1 कितना माइनस हाफ डिवाइडेड माइनस हाफ प्लस कॉन्स्टेंट, यही आया था सामने। हाँ सर, बस हो गया आंसर, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा जो क्वेश्चन करा रहे हो प्रैक्टिस करो, समझो एक बार खुद से ट्राई करो क्या कर सकते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास करो बस हो गया, ठीक है। चलो